हरियाणा में हुए नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना के बाद स्थिति साफ हो गई है, जहां हरियाणा में 28 नगर पालिकाओं में से 16 में से सत्तारूढ़ गठबंधन बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट अध्यक्ष चुने गए। 5 नगर पालिकाओं में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अध्यक्ष पद का चुनाव जीते तो 5 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का ताज निर्दलियों के सिर सजा। निकाय चुनाव में अपना भाग्य आजमा रही आम आदमी पार्टी और इनेलो के कैंडिडेट्स भी एक एक नगर पालिका में अध्यक्ष चुने गए। बता दें कि 28 नगर पालिकाओं में मतगणना का काम बुधवार दोपहर तक पूरा हो गया था, तो वहीं 18 नगर परिषदों में इस बार 10 के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। इनमें गोहाना, जींद, झज्जर, बहादुरगढ़, चरखी दादरी, कालका, सोहना, फतेहबाद, कैथल, पलवल में पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। वहीं हांसी, नरवाना, नारोल, टोहाना, भिवानी, होडल में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। नूह में अध्यक्ष पद पर जजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। मंडी डबौली में इनेलो समर्थित अध्यक्ष पद पर जीता है। वहीं पिछले कार्यकाल को देखें तो 13 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा था, इस बार 3 निकायों में नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस की पिछली बार 4 निकायों में जीत मिली थी, इस बार कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा, प्रत्याशियों को सिर्फ समर्थन ही दिया है। वहीं कालका में पहली बार चुनाव हुआ। वहीं नगर पालिका चुनाव में मिली जीत के बाद जीते हुए उम्मीदवारों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।